हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर साइंस क्लास। कल हमने अपना चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, वेयरिंग लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल्स। क्वेश्चन आंसर अपने फेयर नोटबुक में स्टार्ट किए थे हमने। फोर क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। आज हम अपने करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई डू बर्ड्स एंड एनिमल्स माइग्रेट? माइग्रेशन होता क्या है कि जब बहुत सारे एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं अपने फेवरेबल कंडीशन को ढूंढने के लिए, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। तो बर्ड्स और एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं? बर्ड्स एंड एनिमल्स माइग्रेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अनफेवरेबल वेदर कंडीशन। जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ का जब एनवायरनमेंट उन्हें सूट नहीं करता तो अच्छे फेवरेबल कंडीशन को ढूंढने के लिए जाते हैं। सर्च फॉर फूड, फूड सर्च करने के लिए। रिच देयर सेफ ब्रीडिंग प्लेस, ब्रीडिंग प्लेस मतलब जहाँ पर वो ब्रीड कर सके, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर सकें, सेफ हो उनके लिए वो जगह, वहाँ वो जगह ढूंढने के लिए माइग्रेट करते हैं। व्हाट इज़ माइग्रेशन? माइग्रेशन क्या है? मैंने अभी आपको बताया है, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एट ए पार्टिकुलर टाइम इज नोन एज माइग्रेशन। व्हाट स्पेशल फीचर हेल्प वाटर एनिमल्स टू स्विम? जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं जो उन्हें स्विम करने में हेल्प करते हैं? फीचर्स ऑफ वाटर एनिमल्स, फिशेज हैव फिन्स फॉर स्विमिंग। फिशेज के क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। पैडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर, पैडल लाइक लिम्स होते हैं। वेब टोज होते हैं एनिमल्स के, जैसे कि फ्रॉग्स एंड डक्स। पैडल लाइक लिम्स किसके होते हैं? टर्टल के होते हैं। व्हाट हेल्प्स ग्रास होपर टू होप? ग्रास होपर होप मतलब वो कूद कूद कर चलता है, उसे होपिंग बोलते हैं। तो ग्रास होपर को होप करने में कौन हेल्प करता है? ग्रास होपर यूजेज हिज लॉन्ग हिंड लेग्स फॉर होपिंग, मतलब अपने पीछे की टांगे उसकी, वो उसे हेल्प करती हैं। हाउ आर विंग्स टू इंसेक्ट्स, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बर्ड्स? इंसेक्ट के विंग्स हैं, बर्ड्स से अलग कैसे होते हैं? द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बर्ड्स एज, ऐसे कैसे, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? इंसेक्ट हैव नो फेदर और बोन्स, इंसेक्ट्स के जो विंग्स हैं उनके बोन्स नहीं होती हैं, फेदर नहीं होते हैं। इंसेक्ट्स विंग्स आर मेड ऑफ टेनी कलर्ड स्केल्स, स्केल से बने हुए होते हैं। देयर विंग्स आर अटैच्ड टू थोरैक्स व्हाइल विंग्स ऑफ बर्ड्स आर अटैच्ड टू चेस्ट बोन। जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं वो उनकी चेस्ट बोन से अटैच होती हैं, लेकिन जो इंसेक्ट्स के हैं वो उनके थोरैक्स, थोरैक्स गले का पोर्शन होता है, नेक वाला पोर्शन होता है, उससे अटैच होते हैं। तो इस तरह वो डिफरेंट होते हैं विंग्स इंसेक्ट्स के एंड बर्ड्स के। लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ऑक्सीजन रिच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी? ऑक्सीजन है वो सभी पार्ट्स को कैसे पहुंचती है? व्हेन एयर और ऑक्सीजन एंटर द बॉडी, जब एयर या ऑक्सीजन हमारी बॉडी में या किसी की भी बॉडी में एंटर करती है, बाय डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। हर एनिमल में अलग अलग, जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके स्केल्स होते हैं, ठीक है, जो वाटर एनिमल्स हैं उनके गिल से एंट्री होगी, ह्यूमन बींग्स उनके नोज से एंट्री होती है। फ्रॉम देयर जब बॉडी में एंट्री हो जाती है, ऑक्सीजन गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड, ब्लड की हेल्प से वो सभी पार्ट्स को पहुंचती है। और ये आपको याद रखना है कि वन क्वेश्चन आंसर करने के बाद कम से कम 2 या 3 लाइन्स का गैप होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको नोटबुक बनानी है। थैंक यू।